दरभंगा एसएसपी ने कहा कि बीती रात्रि डीएमसीएच इमरजेंसी वार्ड के बाहर कुछ दूरी पर स्थित दवा दुकानदार से डीएमसीएच के छात्र के बीच दवा और कुछ किराना सामान लेने को लेकर विवाद होने पर आगजनी की घटना घटित हुई। फायर कर्मी आग बुझा रहे थे, उसी दौरान आग लगी दुकान से विस्फोट होने के कारण एक कर्मी नीरज बुरी तरह जख्मी हो गए, जिनकी स्थिति गंभीर बनी हुई है तथा पारस में इलाजरत है। उक्त घटना में लहरियासराय के एएसआई मुस्तकीम भी जख्मी हुए हैं तथा इनके बयान पर एफआईआर दर्ज की गई है और सीसीटीवी फुटेज प्राप्त कर आगे की कार्रवाई की जा रही है। दुकानदारों के द्वारा भी एफआईआर दर्ज की गई है, जिसमें 7 लोगों को चिन्हित किया गया है और 2 दर्जन से अधिक अज्ञात के विरुद्ध दर्ज किया गया है। इस घटना में सत्यापन एवं पहचान सुनिश्चित करने के उपरांत एसडीपीओ सदर के नेतृत्व में गठित टीम के द्वारा गिरफ्तारी की जाएगी। अतिरिक्त पुलिस की व्यवस्था की गई है और स्थिति पर पूर्णतः नजर रखी जा रही है तथा किसी को भी कानून व्यवस्था हाथ में लेने नहीं दिया जाएगा। इस न्यूज के प्रस्तुत करता है सिटी सेंटर द कंप्लीट मल्टी ब्रांड मेंस वेयर शोरूम सुभाष चौक दरभंगा। ली एक एक्सक्लूसिव शोरूम सुभाष चौक और दैनिक ओमी तंजीम न्यूज़पेपर दरभंगा। 50 वर्षों से आपका विश्वासी दुबे क्लिनिक अपने उत्कृष्ट सेवाओं के लिए कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय अवार्डों से सम्मानित डॉक्टर सुनील दुबे के द्वारा सभी तरह के यौन रोग, गुप्त रोग एवं चर्म रोगों का सफल इलाज निसंतान दंपत्ति एक बार अवश्य मिले। दुबे क्लिनिक, सुभाष मार्केट, लंगर टोली चौराहा, पटना।